डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो क्लासेस बाय द ग्रेस ऑफ अलमाशी अल्लाह प्यारे बच्चों आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो लिया है क्लास सिक्स का जग्राफिया इसमें हमने चैप्टर नंबर फोर लिया है जिसका नाम है मेप्स हम हाँ प्यारे बच्चों इसके आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं यानी इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं हाँ बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली पार्ट फर्स्ट है यानी ए पार्ट है वाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप यानी मैप के जो तीन कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हाँ बच्चों इसका आंसर है द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द मेप आर डिस्टेंस डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज सैम्पल हाँ प्यारे बच्चों अब है पार्ट बी व्हाट आर द फोर कॉर्डिनल डायरेक्शंस इसका आंसर है द फोर कॉर्डिनल डायरेक्शंस आर North, South, East, West. Part C. What do you mean by the term the scale of the map? The answer is the scale of the map is defined as the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map now part number d how are the map more helpful than a globe answer map are more useful than a globe as they provide us with a lot of information about the earth globe can be useful only when we want to study the earth as a whole but when we want to study only a part of the earth only a map comes to be useful for this purpose party distinguishes between a map and a plan answer the difference between a map and a plan is given below map plan number 1 a map is a, a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale <coughs> हाँ भाई इसके आगे है प्लेन में क्या होता है अ इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल सेकेंड वन इट कवर्स ऑनली द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स एज इट हैज टू कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ इट गिवस एवरी फाइनर डिटेल ऑफ एन एरिया Or a place as it has to cover a small area. Part F, which may provide us detailed information? The answer is a large scale may provide us detailed information. Part G, how do symbols help in a reading maps answer it is not possible to draw on a map the act actual shape and size of different features such as buildings roads bridges trees railway lines or a well so they are shown by using टन लेटर्स शेड्स कलर्स पिक्चर्स एंड लाइन्स दीज सिम्बल्स मेक इट इज टू अंडरस्टैंड एंड एंटरप्रेट द मेप हम बचे ये थे इसकी क्वेश्चन अब यहाँ जो सेकेंड इसका जो पार्ट है सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स यानी हर एक पार्ट का तीन तीन नीचे देगा इसमें देखना है जो करेक्ट होगा वो लगाना है हाँ पहला क्या है ए पार्ट क्या है मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर फिजिकल मैप थ्रोमोटिक मैप थर्मोटिक मैप पोलिटिकल मेप इसका जो आंसर है वो सेकेंड है यानि थ्री मॉटिक मेप बी पार्ट द बिल्लो कलर इज़ यूज फॉर शोविंग वाटर बाडीज माउंटेन्स प्लान्स इसमें आएगा पहला वाटर बाडीज हाँ बच्चों अब है सी आई कम्पास इज यूज यानी कंपास किस में यूज होता है टू शो सेम्बुल्स टू फाइंड द मैन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस यानी इसमें आएगा दूसरा सेकंड टू फाइंड द मैन डायरेक्शंस डी अ स्केल इज नेसेसरी जो स्केल होती है वो किस लिए ज़रूरी होती है फॉर ए मे फॉर ए स्केच फॉर सेम्बुल्स इसको आएगा पहला फॉर ए मेप हाँ बच्चों ये थे इसके क्वेश्चन जो चैप्टर था उसका नाम था मेप्स ये आप ख़त्म हो रहे हैं हम हाँ बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से, से देखोगे और देखने के साथ साथ इन सवालों को आप अपने नोटबुक पर भी इंटर करोगे यानी दर्ज करोगे और दर्ज करने के साथ साथ भी याद भी करोगे हम बच्चों शुक्रिया